नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल एस एस सॉल्यूशन में स्वागत है। आज आपके लिए लेकर हम लोग आए हुए हैं एच पी नेवर स्टॉप लेजर जेट 1200A प्रिंटर। इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। इसमें एसेसरीज क्या होता है, प्लस स्पॉट कितना होता है, और क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है, और कार्टेज किस टाइप का होता है, और इसको कैसे रिफिल करते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। वीडियो में बने रहें। अभी पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि प्रिंटर का मॉडल कैसा है और देखने में लुक वाइज कैसा है। ये बॉक्स हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा प्रिंटर, ये पेपर ट्रे है। ये पेपर ट्रे का ऊपर का ढक्कन है, जिसको पेपर अभी हम आपको दिखाएंगे सेट करके ये कैसे सेट होता है। ये हमारा पावर केबल, और ये हमारा है मैनुअल है। अब इसमें देखते हैं क्या है। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको ओपन किए हैं तो इसको साइड होगी, ये हमारा फ्रंट साइड है। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये पैकिंग काफी अच्छा रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपका कॉपी वगैरह कितना कॉपी प्रिंट करना सारा कुछ ये डिजिटल ही है। ये बटन नहीं है, ये इंटरनली बटन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस हो रहा है ये। अब इसको आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको हमने ओपन कर लिया। पूरा ओपन तो नहीं करेंगे, इसको ये हमारा स्कैनर हो गया। A4 साइज स्कैनर है, ये काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसके अंदर कार्ट्रिज होता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट जलता है वाइट कलर का कार्ट्रिज का, ये रिफिल बताता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप कार्ट्रिज रिफिल कर सकते हैं। कार्टेज रिफिल करने के लिए एक इसका ट्यूब आता है, उसको डायरेक्ट इसमें पंच करके आप इसको डायरेक्ट रिफिल भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी है। तो आपको हम दिखाते हैं इसका कार्टेज कैसा होता है। कार्टेज का सेक्शन है, ये पैकिंग किया हुआ रहता है, तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। बट अभी हम निकाल के आपको ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये नई न्यू प्रिंटर है। बट एक बार देखते हैं, निकाल के ही आपको दिखा देते हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए हमारा ये कार्टेज है, ये अलग हो जाता है। ये जब भी आप यूज़ करें तो इसको निकाल दें, क्योंकि ये अभी तो न्यू प्रिंटर है, तो इसमें लगा हुआ आता है कार्टेज। देखिए ये बहुत बड़ा कार्टेज है। इसमें आप सैमसंग का जो नन मैट्रिक कार्टेज होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसमें 12A प्रिंटर वाला, जैसे कि 1005 का 12A कार्टेज होता था, उसका जो पाउडर लगता था वो इसमें नहीं आता है। इसमें सैमसंग का आप पाउडर, जो कि नन मैग्नेटिव होता है और वो मैग्नेटिव होता है, वो इसमें जाएगा। तो ये भी आपको हम दिखा चुके हैं, फिर मैं इसको लगा देता हूँ। बहुत इजी है, आराम से लग भी जाता है।
अब आपको हम लोग दिखाते हैं ट्रे कैसे, पेपर ट्रे कैसे फिट होता है। ये है अब पेपर वाला और ये हमारा पेपर ट्रे, देख सकते हैं इसको, चलो टेप लगा हुआ है, इसको आप आराम से ओपन कर लीजिएगा। और ये साइड जो है ऊपर होता है, इसको यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, ये लॉक हो जाएगा, इसलिए हमारा लॉक हो गया। और उसके बाद इसके अंदर आप पेपर डाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस करके अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा, ये देखिए हमारा पूरा फुल्ली सेफ लॉक हो गया, पेपर में भी कोई मॉइस्चर नहीं लगेगा इसमें, ये सारा फैसिलिटी दिया हुआ है। अब इसमें हम दिखाते हैं कि क्या क्या पॉट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर के लिए पॉट है और एक आपका GST के लिए। तो इसमें यही होता है कि ये आपका जो मॉडल है ये 1200A है, जिसमें आपका सिर्फ फंक्शन होता है आपका पावर और USB से ही ये प्रिंट होगा। और दूसरा आपको एक दिखाने वाले हैं जो 1200W मॉडल है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा वाईफाई का भी फंक्शन दिया हुआ रहता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।